दोस्तों, हम सभी काजोल और रानी मुखर्जी के तनाव भरे रिश्ते से अच्छी तरह वाकिफ हैं। ये दोनों कजन सिस्टर्स होने के बावजूद एक दूसरे की सबसे बड़ी दुश्मन है। इन दोनों की दुश्मनी से पूरा बॉलीवुड वाकिफ है और बॉलीवुड के सभी लोग इनसे एक दूसरे के बारे में बोलने से डरते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं इन दोनों की लड़ाई की असली वजह क्या है? आखिर ये दोनों एक दूसरे की इतनी बड़ी दुश्मन कैसे बन गई? कैसे रानी की वजह से काजोल के करियर पर काफी असर पड़ा? आज के इस वीडियो में हम आपको इनकी लड़ाई की वजह बताएंगे। अगर आप भी ये वजह जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहना। लेकिन हाँ, इन खूबसूरत अभिनेत्रियों के लिए वीडियो का लाइक तो बनता है। सभी जानते हैं कि रानी मुखर्जी और काजोल कजन सिस्टर है, पर बावजूद इसके इनका रिश्ता शुरू से ही अच्छा नहीं रहा, क्योंकि हमेशा से ही इन दोनों के परिवार वालों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर मतभेद रहे, जिसका असर इन दोनों के रिश्ते पर भी खूब देखने को मिला। इन दोनों की लड़ाई में यशराज फिल्म्स प्रोडक्शन की अहम भूमिका रही। जब तक यशराज फिल्म्स यश चोपड़ा के हाथ में थी, तब तक इनकी हर फिल्म में काजोल नजर आती थी और काजोल ने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये दिल लगी और फना जैसे हिट फिल्में यशराज बैनर के नाम पर ही की। पर जब थोड़े समय बाद इस बैनर की कमान उनके बेटे आदित्य चोपड़ा ने संभाली, जो काजोल के दुश्मन रानी मुखर्जी से प्यार करते थे, तो परिस्थितियां बदलने लगी, जिसका असर काजोल के करियर पर भी काफी देखने को मिला। जिसके बाद काजोल ने रानी मुखर्जी के करियर में बाधा डालने शुरू कर दी। और जब रानी मुखर्जी कुछ कुछ होता है फिल्म में अपने करियर की शुरुआत करने वाली थी, जिसमें काजोल भी काम कर रही थी, तो इन्होंने इस फिल्म में रानी के होने का विरोध जताया, क्योंकि रानी के पीछे आदित्य चोपड़ा का सपोर्ट था, तो करण जौहर को उन्हें फिल्म में लेना ही पड़ा। जब फिल्म बनकर रिलीज हुई तो काजोल के साथ साथ रानी मुखर्जी के प्रदर्शन को भी दर्शकों ने खूब सराहा, जिसका काजोल को बहुत बुरा लगा। उसके बाद काजोल के दिल में रानी के लिए और नफरत पैदा होगी। हालांकि इस फिल्म के बाद रानी ने बॉलीवुड में अपनी स्थिति मजबूत कर ली, तो काजोल भी कुछ नहीं कर पाई थी। रानी और आदित्य के रिश्ते से यशराज फिल्म्स दो हिस्सों में बढ़ गई। जहां यश चोपड़ा काजोल को फिल्मों में लेना चाहते थे, तो वहीं आदित्य चोपड़ा रानी मुखर्जी को अपनी फिल्मों में काम कराना चाहते थे, जिसकी वजह से इनके परिवार में भी काफी तनाव देखने को मिलता था। पर जब यशराज चोपड़ा बेटे की जिद के आगे झुक गए, तो उन्होंने इन दोनों के रिश्तों को स्वीकार कर लिया और इन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद सबसे पहले रानी ने काजोल के लिए यशराज प्रोडक्शन के दरवाजे बंद कर दिए। और जब यशराज की आखिरी फिल्म जब तक है जान का प्रीमियर रखा गया, तो इस प्रीमियर में यशराज की फेवरेट हीरोइन काजोल को नहीं बुलाया गया और यह खबर बॉलीवुड में पूरी तरह फैल गई कि उनकी आखिरी फिल्म के प्रीमियर में उनकी फेवरेट हीरोइन काजोल को नहीं बुलाया गया, जिसके चलते काजोल बहुत टूट गई। और इन दोनों की लड़ाई का क्लाइमेक्स तब देखा गया जब रानी ने अपनी शादी के रिसेप्शन में सभी को बुलाया, यहाँ तक कि अपने सबसे बड़ी दुश्मन ऐश्वर्या राय को भी, पर ये अपने परिवार वालों को बुलाना भूल गई थी। अपने इस अपमान के बाद काजोल ने रानी से अपना रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर दिया, जिसके चलते आज इन दोनों को साथ में कभी नहीं देखा जाता। जब भी इन दोनों को एक दूसरे के बारे में पूछा जाता है, तो ये दोनों एक दूसरे के बारे में बोलने से बचती हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, काजोल और रानी मुखर्जी को लड़ाई खत्म करके एक हो जाना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में दे दो और बॉलीवुड से जुड़ी और भी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।